बैक विद अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ, आई होप कि सारे ठीक होंगे यार। वाह क्या सीन है। तो अभी इधर से धूप पड़ी थी, थोड़ा साइड हो जाते हैं। अभी सुबह सुबह के टाइम अभी मैं थोड़ा फ्रेश भी नहीं हूँ, उठ के अभी आया ही हूँ। तो अभी फिर से मैं हवेली आ गया था सुबह सुबह उठ के, दोनों भाइयों को स्कूल छोड़ के। एवं ही ना उठा था, ना हाथ मुँह धोया, गाड़ी पकड़ी, दोनों को स्कूल छोड़ा और वापस हवेली आ गया। आप देख ही रहे हो ना बैक में जो आपको कल दिखाई थी, कुछ कुछ तो याद हो गई आपको। कल वाले व्लॉग में आपको सारी हवेली टूर मैंने करवाई थी। तो ये देखें, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके हवेली। चीज़ यार ये ना कल मैंने आपको दिखाया था, ये देखें, ये सारा जो है ना जानवरों का, मतलब जिधर ये हवेली में जितने भी जानवर हैं सारों का बताया था। लेकिन कल जो है ना वो इधर नहीं थे, मतलब जो इन्हें खाना खिलाते हैं, पट्ठे जो इनका दूध निकालते हैं, वो इधर नहीं थे कल। और आज फाइनली वो जो है ना इधर ही हैं इस टाइम। आज थोड़ा जल्दी आ गए होंगे या आज थोड़ा मैं लेट आ गया होंगे, थोड़ा सा टाइम का फ़र्क ज़रूर पड़ा है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें भाई, ये भाई अभी इन्हें पानी पिला के आया है सर। ऐसे ही एक एक करके इन सारों को जो है ना पानी पिलाना है इन सारों को। तो टाइम तो आपको पता लग ही जाता है, बंदा थक भी जाता है। और दूसरा जो है ना, अस्सलाम वालेकुम, गजब बेइज्जती है। तो दूसरा जो है ना, बंदा थक भी जाता है, एक एक बंदा अगर करवा रहा हो तो। ये देखें, मैं क्या कहा था ना आपको कल के जो है ना, ये ऐसे जाते हैं, मतलब ये सारा के सारा ट्राली लेके जाते हैं और पट्ठे लेके इनके लिए आ जाते हैं। और अभी सही वाले पट्ठे आए नहीं, जिसे साला बोलते हैं, वो नहीं अभी आए। और ये देखें, जिसे हम कमाद बोलते हैं ना, गन्ना, मतलब आपको ये वो है। तो ये अभी कुतराई चल रही थी, इनका खाना मतलब बन रहा है, इनके पट्ठे बनाए जा रहे हैं जो इन्होंने खाने हैं अभी। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये भाई खुद भी खा रहे हैं, जो भाई ने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये खाने के लिए पकड़ा हुआ है, इसे गन्ना बोलते हैं, ये जो जानवरों को खिलाया जा रहा है सारा। ये था मतलब, ये कल दिखाया था, कल तो हवेली जो है ना सारी की सारी वीरान पड़ी थी। बस मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यार, बहुत सारी बात है। हमने ना एक कुत्ता रखा होता था हवेली में, बड़ा ही प्यारा था और बड़ा ही खेलने वाला, मतलब अच्छा था। मेरे कहने का मतलब कि ना कोई खतरनाक नहीं था। और एक दिन ऐसा यार हुआ कि ऐसे हवेली से बाहर निकल गया, हवेली से जैसे ही वो बाहर निकला, उसके बाद रात का टाइम था और इधर लाइट भी गई हुई थी, कैमरे भी ऑफ थे, सारे के सारे कैमरे भी ऑफ थे। ये देखें, ये उसका पिंजरा है, ये उसका पिंजरा अभी तक भी इधर पड़ा हुआ है, इसके अंदर वो रहा करता था। ये देखें, काफ़ी इसने अभी तो साफ ही नहीं की, लेकिन जब वो था सफाई होती रही थी। अभी ये देखो जाले पड़ गए हुए हैं जगह जगह पे, जाले गंदगी फैल गई है। लेकिन पहले जो ना बड़ी अच्छी सफाई थी, जब वो था ना इधर, बड़ा मज़ा आता था उसके साथ खेलने में। हो भाई चलो तो कोई बात नहीं। खैर यार आपसे रिक्वेस्ट है कि यार कि मेरी मैंने अभी स्टार्ट ही की है, तो अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं तो पहले भी यार मेरे से होती नहीं थी, तो मैंने बोला चलो यार मेरे साथ दोस्त भी तो है ना जिनके साथ मैं बातें करनी, जिनको मैं सारा कुछ दिखाना है, तो फिर मैंने कहा यार करनी चाहिए। ये गार्डन, ये देखो वो जनरेटर है सामने पीछे, नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का, ब्लू एंड वाइट, ये जनरेटर है। ये पौधे लगे हुए सारे गार्डन आप देखो, बहुत प्यारी बनी है, लेकिन अभी इसकी कटाई वगैरह नहीं हुई। पौधे जो है ना, पौधे वगैरह सारे लगाने वाले हैं कुछ काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से इसकी कटाई नहीं। लेकिन अगर कटाई जब होती थी ना, बहुत प्यारा जो है ना लगा करता था। खैर अभी कटाई भी इसकी इंशाल्लाह भाई जल्दी करवा लेंगे, उम्मीद है। हो भाई तो खैर अभी यार मैं चलता हूँ, सुबह सुबह उठा था अभी, मैं कुछ भी नहीं किया, दोनों भाइयों को स्कूल छोड़ के आया हूँ। और आते ही जो है ना मैंने मोबाइल पकड़ा, हवेली में आया हूँ सीधा, दूध लेना था इधर से, दूध पकड़ के मैंने सोचा खैर व्लॉगिंग ही उतनी देर स्टार्ट कर ली जाए। तो
मिलता हूँ अभी यार घर जाके इंशाल्लाह मैं नाश्ता करके चेंज करके हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल जाके थोड़ा बहुत और शुगर लगाते हैं इंशाल्लाह। ओ भाई रुको यार, एक चीज़ तो रह गई। कल ना मैंने आपको एक कुक दिखाया था, वो मैं तो इधर से सियालकोट से हूँ, वो ना हमारे पास इधर काम मतलब वर्क है, कुक रखा हुआ है हवेली वालों के लिए। अभी तो आपको दो ही बंदे दिखे हैं ना हवेली में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बंदे अभी कहीं गए होंगे कुछ लेने या कुछ आए नहीं होंगे। तो अभी उनका जो खाना बनाता है ना बंदा, और हवेली में जितने भी गेस्ट आते हैं भाई के पास, तो उनका जो जितना भी खाना बनाता है ना, वो मैं आपको कल किचन दिखाया था, कल वाले व्लॉग में ये देखा। अभी तो कुंडी लगी हुई है, बार बार मैं नहीं तो दिखा सकता, मतलब व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं ना जा रहा हूँ उसके पास दोबारा से, अंदर लेटा होना यकीनन लेटा होगा, तो चलते हैं। आ जाओ, ये दरवाज़ा है एंट्रेंस, ये बाइक है ले के दे दीजिए इसे ही। ये लेटे हैं जी जनाब। हेलो, अच्छा यू डूइंग, इसका पता है क्या मतलब होता है? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? भाई व्लॉगिंग कर रहा हूँ, व्लॉगिंग नहीं करनी आती। तुम क्या कर रहे हो? मूवी चल रही है, फेसबुक चला रहा है लड़का, है लौंडा, फेसबुक चला रहा है। सुबह सुबह कोई काम ही नहीं है, है? क्या बात है। ये देखो ये भाई इसका रूम है जिधर ये रहता है, ये वैसे गेस्ट रूम ही है, इसको गेस्ट रूम सारा मिला हुआ है। ये इधर सारा ये LED लगी हुई कैमरों की, देखो ये अभी जिधर मैं घूम रहा था ये सारा कुछ इधर, मतलब इसे लेटे लेटे नजर आता है, इसलिए तो बाहर नहीं जाता। इसीलिए तो बाहर नहीं जाता भाई, कि मैं इधर भाई मैं क्यों जाऊं बाहर भाई, मैं क्या लेने जाना, मैं अफसर बंदा हूं। चलो यार ओके, फिर मैं मिलता हूं आपको इंशाल्लाह घर जा आगे। आपको ये भी लौंडा मैंने दिखाई दिया, मैंने बोला था कि अंदर यकीनन लेटा होना है। यू आर लौंडा, खैर मैं अभी चलता हूँ, मैंने आपको बोला था कि बाकी मैं अंदर ही लेटा होना है। कल तो खैर ये भी कल पता नहीं यार, मैं जल्दी आ गया था यहाँ, ये थोड़ा लेट थे इस वजह से, अभी ये भी अंदर है, हवेली वाले भी उधर है। तो मैंने आपको दोनों को दिखा दिया, ओका फिर मिलते हैं इंशाल्लाह घर जाके। हेलो जी यार, तो फिर मैं सो गया था आके उधर से, अभी वापिस उठ चुका हूँ हवेली से आके। तो मैं ठंड बहुत है यार, इस वजह से जो है ना मैं फ़ौरन आके बिस्तर पे लेट गया था और आँख लग गई मेरी, मैं सो गया था उस वक्त। अभी यार मामा को बोल दिया, वो मामा ने उठाया आके मुझे, कह रहे थे बेटा उठ जाओ टाइम काफ़ी हो गया, नहीं तो मैं सो ही रहना था, पता ही नहीं था चलना टाइम का भी, तो मुझे ऐसे 12-1 बज जाने थे टाइम को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, मतलब काफ़ी टाइम हो जाना था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तुम वेले हो यार 24 घंटे, मतलब ऐवें कैमरा लेके फिरते रहते हो। खैर मेरा है तो अभी सेकंड व्लॉग ही, आप बोलोगे तो नहीं, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मैं भाई स्टडी जितनी मैंने करनी थी मैंने कर ली है, अभी मैं स्टडी छोड़ दी, मैं फुल वेला हूँ। इसीलिए जो मैंने जो है ना ये डिसीजन लिया, मैंने कहा मैं वेला तो है ही हूँ यार, मैं क्या ही करूँगा। और खैर आप जैसे कुछ दोस्त भी बन जाएंगे, और वैसे भी व्लॉगिंग भी जो है ना मैं शुरू कर लेता हूँ, और तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इसीलिए मैंने ना ये डिसीजन लेना अच्छा समझा। इसीलिए ये वजह है कि मैं मतलब फुल वेल लूँ नहीं रहता। खैर ओके, नाश्ता करता हूँ फिर मिलता हूँ बाद में। बूम, तो फाइनली यार यार बैक, इधर काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मैं रोड आपको दिखा रहा था। अभी आया था मेरे दोस्त की ना इधर लैब एक, तो वो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ सारा। ये देखो सारा रोड अभी सारे बन रहे हैं इधर हमारे इस वाले एरिया में, जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है सारा। तो मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ अंदर, ये देखो ये है सामने डॉक्टर अब्दुस्तार लैब, ओके ठीक है। ये देखो ये सारा जो है ना नाला बनना है, नाला बनाने की वजह से ये सारा उन्होंने ना रात का ही ना रातों रात ये सारा खोद दिया। ये ठीक है, ये चेक करो ये चेक करो, अभी चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हाल है?
सब ठीक है। नालेल मार को है ना राहुल। फाइनली मैं आ गया था हॉस्पिटल। फाइनली। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं हॉस्पिटल आ गया था। तो अभी यार बैड लक वाली बात यह है कि आज जुम्मा और आज काफी ज्यादा अमला हॉस्पिटल का जो है ना छुट्टी पे है, हमारे भी लोग के अंदर आ नहीं सकेंगे ना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो जो है खैर जो आए हैं लेकिन उनसे बात करते हैं, उनसे आपको मिलाते हैं। तो कुछ लेडीज हैं, कुछ जेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, मतलब अभी मजा आएगा ना। जो भी हॉस्पिटल आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह से हॉस्पिटल हमारा ही है, तो इसलिए तो मैं इधर खुल डुल के जो है ना आके वीडियो बना सकता हूँ, व्लॉग कर सकता हूँ, मसला नहीं है कोई भी। तो खैर अभी चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एमरजेंसी में था अभी, तो ये एंट्रेंस है हॉस्पिटल की, ठीक है। अभी देखो आज जो मैं अभी सुबह का टाइम है, मैं इसलिए आ गया था क्योंकि बाद में जो है ना ये मेरे पापा का रूम, लेकिन अंदर अभी कोई भी नहीं बैठा हुआ, अंदर अभी कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, तो वो भी इधर नहीं है, अभी गए हुए हैं मेरे ख्याल से छत पे गए होंगे। कभी सुबह का टाइम है तो अभी कोई बंदा नहीं आ रहा, कोई पेशेंट्स भी नहीं आ रहे, क्योंकि टाइम भी जो डॉक्टर्स का टाइम होता है ना वो अभी ओपन नहीं, मतलब ना कहा जाता ना कि डॉक्टर्स का ये फलां डॉक्टर का ये टाइम है, तो उस वजह से अभी कोई पेशेंट्स आ नहीं रहे। कुछ है मजीद अंदर एडमिट लेकिन अभी कुछ नहीं आए, तो खैर अभी चलते हैं बाहर, ऑफ करते हैं सारा कुछ। ये लेडी डॉक्टर रूम है, इधर भी अभी कोई बंदा नहीं आया, ठीक है, मतलब डॉक्टर साहिबा नहीं आई है। ये देखो, खैर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टोर जिसे बोलते हैं, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल का दिल कह सकते हैं आप। ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ मैडम, व्लॉग कहते हैं ना जिसे व्लॉगिंग। अभी एक बंदा बैठा है इधर, ये है लेबॉरेटरी, ओके, ये बंदा है जी लैब मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके क्या हाल है? ठीक हो जी? तो क्या चल रहा है? वेले बैठ के मूवियाँ चलनी है ना? ये देखो भैया सारा, इसने भी गंद डाला हुआ है, इस बंदे ने भी कोई सफाई नहीं है, कोई साफ साफ नहीं है इसका भी, ठीक है। ये देखो ये लैब है, लेबॉरेटरी का आपको व्यू करा रहा हूँ सारा, ओके। चेक ये स्टाफ आई हुई है हमारी इधर लेबॉरेटरी में। ओके यार अब तो इजाज़त, मुझे लोग भी लंबा हो चुका हुआ है, अब मुझे एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, काफ़ी अच्छा।